लेकिन आ देखो जो मैनू अज आंकड़े कोई मिले ने कि तकरीबन एक कल दे आंकड़े ने एक दिन दे कि 4024 बंदे नू चलान किया गया कि अपने मास्क नहीं पाए, 45 नू किया है कि तुसी थुकदे हो पब्लिक प्लेस से, तुहानू पता है कि थुक नाल ही अगर यह फैल रहा है ये बीमारी जिहड़ी हैगी, और सोशल डिस्टेंसिंग करन वास्ते 39 बंदियां नू दा चलान होया। हुण इहदा फायदा की है? पहला तो थोड़ा चलान हुंदा है, तुहानू पैसे देने पैणगे। दूसरा तुसीं इह बीमारी लै सकदे हो, या अगर तुहानू है तां तुसीं फैला सकदे हो, तुसीं होरां नू दे सकदे हो, अपने महल्ले दे विच, नाल दे घरां दे विच, नाल दे गुआंढियां दे घरां दे विच, अपने आपने घर दे विच ये गल्लां तुसीं एक हो सकदियां ने जिहदे नाल तुहाडी बीमारी तुहाडे परिवार दे विच लग जाए। तो ये एक मैं इहनू एंटी सोशल गल करदा, ये नहीं आपां नू करनी चाहिए। पंजाब नू अगर बचाउणा है, आंकड़े जा रहे ने, वध रहे ने, आ देख लो मेरे आंकड़े जिहड़े पहलां अपने पंजाब दे विच हुंदे से 14-15-20 तक, तो वह हुंदा सी दो कारण से उहदे, एक तो और मेजर कारण यह सी कि साडी टैसटिंग बड़ी घट हुंदी सी उदों, साढ़े 700 तो शुरू किया, फिर असी 2200 ते पहुँचे, फिर असी हुण इस वेले 10,000 के करीब साडी टैसटिंग हो रही है। तो ज्यों ज्यों टैसटिंग वधदी जांदी है तो आंकड़े थोड़े वधदे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 128 ने अज दे आंकड़े ने कि 128 बंदियां नूं आपां नूं नवें टैसटिंग दे विच्चों कन्फर्म केस निकले ने। टैसटिंग बहुत हुई है लेकिन 128 भी कोई छोटा नंबर नहीं। अज तक पूरे जिहड़े साढ़े करोना दे केस निकले ने वो है 4,957 केस, उहदे विच्चों 3,200 केस डिस्चार्ज हो गए, अपनी उन्हां दा इलाज हो गया और वह घरें चले गए वापस। फिर भी 1610 केस हाले अपने स्टेट दे विच पए ने, जिहड़े हॉस्पिटल दे विच या आइसोलेशन वार्ड दे विच या अपने होम क्वारंटीन वगैरह विच पए ने। इन्हां विच्चों 24 अपने आए ने ऑन हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिन्हां नूं ऑक्सीजन की लोड़ है, और 6 बंदे अपने वेंटीलेटर के उपर लगे हुए हैं। हुण ये अच्छी गल नहीं, वधदा जा रहा। एक समय सी कि कोई वेंटीलेटर ते नहीं आउंदा सी, एक समय सी जिथे डिपेंडेंसी यूनिट जिहड़े अज 24 ने वह 4 हुंदे से या 2 हुंदे से। हुण तुसीं ये जिहड़ा मैं देख रहा है ये वास्ते जिम्मेवार आपां सारे ही हैं जिहड़े आपां ये गल्लां नहीं मनदे और इस पंजाब दे विच अपने पंजाब दे विच गल्लां नूं फैलन देवांगे। हुण ये मैनूं पता है कि सिर्फ ये अपना ही काम नहीं, क्योंकि लोग बहुत बाहरों आ रहे हैं। हुण 12,000 ट्रक तो डेली आउंदा साढ़े पंजाब च, समान आउंदा है, इंडस्ट्री ने चलना है, राशन की लोड़ है, तो हर डेली तकरीबन 12,000 ट्रक उरे आउंदे ने। साढ़े कोल तकरीबन 6,000 तो उपर गड्डियां आउंदियां ने जिहड़ी GT रोड दे विचों आउंदियां ने, अगर 3-3 बंदे भी बैठे होण 18,000 तो उत्थे ही हो गए, और 12,000 दे विच दो बंदे तो होणगे ट्रक च, तो देख लो कि 24,000 हो गया, तो 40,000 बंदा तो हर दिल्ली या इधरों आउंदा, राजस्थान तो होए, उत्थे भी कोविड बहुत वध्या होया, दिल्ली भरिया पिया, हरियाणे दे विच भरिया पिया, हरियाणे तो अपने तो दुगना है। इधर तो ये गल्लां आपां नूं देखना पऊ कि साढ़े आ रहा है उस नूं अब उहदा बचाव करन वास्ते आपां नूं जिहड़े कदम दसे गए ने उह तां आपां फॉलो करिए, ताकि अपने पंजाब नूं आपां बचाईए। क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा इह बीमारी खत्म नहीं हो रही। तुसीं अगर समझदे हो कि पंजाब दे विच कंट्रोल च है, उह इस वेले साढ़े हिम्मत नाल है, थोड़े हिम्मत नाल, गवर्नमेंट दी हिम्मत नाल सारे असीं इस नूं रोक सके हां कुछ हद तक, लेकिन एक समय आऊगा जदों पीक आएगी इसकी। हुण पीक कदों आऊगी मैं भी नहीं दस सकता, कोई डॉक्टर नहीं दस सकता, कोई जुलाई कहते हैं, कोई अगस्त कहते हैं, कोई सितंबर करते हैं, कोई नवंबर तक कहते हैं, कदों पीक आऊगी। हुण पीक वह कैसे आनी है, साढ़े पंजाब कितने तक पहुँचनी है, मैं भी नहीं दस सकता तुहानूं। ये कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पता। देखो अमेरिका की हो रहा है, 1,00,000 तो उपर तो मरदा मर गया उत्थे, और 10,00,000 तो उपर तो केसिस हो गए ने उत्थे। तो यह बड़ा सीरीयस सिचुएशन है जो साढ़े देश हो रहा है। हुण भी दिन पर दिन देश के आंकड़े वधी जा रहे हैं। तो इस करके मैं थोनों ये बेनती कर रहा है कि तुसीं इस नूं बड़ी गंभीरता नाल सोचो, और ये जिहड़े बंदे हुण अपने तुसीं 4,000 और 24 जो कल तुसीं अपना चलान भर रहे हो अपना मास्क पाउण वास्ते, ये ना करो बेटा, ये गलत गल है। ये आपां बिल्कुल अपना सूबे दे विच तबाही देवांगे।
और होर चीज़ा भी ये छोटिया गल् ने जिड़िया तुम कर सकते हो जिद अपना पंजाब बच सकते तो ये समझ के कि हाले औखी घड़ी आनी है पंजाब दे विच तुसी अज तो मेरी बेनती है थोनू कि तुसी अज तो अपने कदम चक्कन लग जाओ जिद अपने पंजाब नू दे विच इस कोविड नू फैलन तो बचाइए। एक तो यह सी, दूजा मैं एक दो गल होर थोनू कहनिया चाहता सी कहना चाहता सी कि अज फिर मैनू एक बुरी खबर सानू आई है कि एक साडा नौजवान लांस नायक सलीम खान 58 इंजीनियर रेजिमेंट साढ़े पटियाले तो डकाणा हल्के मरदेड़ी पिंड एक साडा ओदे विच उत्थे रहिंदा सी वह भी लद्दाख दे विच शहीद हो गया। पता नहीं वह पुराने वह जिहड़े जख्म से ओदे करके होए या क्या कारण सरकार वह गवर्नमेंट सानू आर्मी सानू दसूगी लेकिन वह एक होर साडा नौजवान हिंदुस्तान का अज शहीद होया एक इत्थे और एक पूना विच तो दो साढ़े जवान शहीद होए ने असी श्रद्धांजलि भी भेंट करते हैं और उन्होंने परिवारों के नाल असी बिल्कुल खड़े हैं इस वेले जो कुछ असी ऐलान किया होया उन्होंने पंजाह लख का जिहड़ा असी मुआवजा देना चाहते हैं उस परिवार को और नाले उन्होंने एक बंदा कोई भी उन्होंने परिवार तो जो कोई नौकरी सरकारी लेना चाहता है वो सानू दस देना असी उहदा जरूर प्रबंध सारा करके और सब कुछ उन्होंने देवांगे। ये असी सारे अपने जो शहीद होंदे ने अपने देश वास्ते उन्होंने सारे वास्ते करांगे। तीसरी गल कुछ दिनों तो तुसी देखते आए हो कि असी एक ऑल पार्टी मीटिंग सदी सी वो ऑल पार्टी मीटिंग सदी सी इसलिए क्योंकि सेंटर ने कुछ कदम चुके ने जिहड़े असी समझते हैं कि पंजाब दे किसानां दे खिलाफ है। पंजाब किसानी का एक सूबा है अगर पंजाब दे किसानां दे खिलाफ है तो पंजाब दे सूबे दे खिलाफ ने। वो ऑर्डीनेंस तीन ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते एसेंशियल कमोडिटीज़ ते ये जो लगता है कि एक शांता कुमार कमेटी बनी सी उस शांता कुमार कमेटी ने यह कहा कि MSP नू खत्म किया जाए और फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया नू बिल्कुल ही बंद कर दो। जदों फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जू और वो खरीद नहीं करेगी फिर MSP नहीं रहनी। हुण मैं बार बार ये मैनू अफसोस होया कि एक वड्डी पार्टी पंजाब दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल मैं बार बार उन्होंने समझाता सी कि भई ये अज ये नहीं गल कि उहदे विच अज इन्होंने ऑर्डीनेंस दे विच कुछ पाया या नहीं पर एक बार ये सारी गल तुसी एक बार अपनी फूड कोऑपरेशन चक दे और तुसी ये सब कुछ निकलता है शांता कमेटी रिपोर्ट के विचों फिर साढ़े MSP इत्थे रहनी नहीं तो अज ना होए थोड़े लिखे हो लेकिन ऑर्डीनेंस के विच लेकिन जब तुसी ताकत दे दोगे एक बार ऑर्डीनेंस तुसी वाप पास करती फिर थोड़े पार्लीमेंट ने पास कर देना एक एक्ट बना देना है फिर जो मर्जी तुसी जो मर्जी कर लो उतों और ये लग रहा उधर नू। और मैं कहा सी मैं क्या 560 करीब MP ने साढ़े उहदे विचों तुसी 13 MP ने जिहड़े साढ़े पंजाब दे ने एक बार ये हो जाए जो अकाली दल कहिंदे ने असी गारंटी लैंदे तुसी कैसे गारंटी लै सकदे हो तुसी गारंटी कहिंदे असी अगर ये हो जाए फिर मैं तुहानू दस दिंदा कि इन्हां ने नाल दी नाल ही 13 MP कुछ भी नहीं कर सकणगे और फिर ये MSP खत्म हो जानी है साढ़े पंजाब च और फिर किसानी साड़ी बिल्कुल औखी घड़ी दे विच सानू लंघना पऊ। कल बहुत दिन जिस दिन होया सी ऑल इंडिया ये जिहड़ी ऑल पार्टी मीटिंग उस दिन सवेरे ही पता लग्या सी कि हुशियारपुर दे मंडी च मक्की 600 रुपए क्विंटल बिकरी सी जिथे जिथे होनी चाहीदी है 1700 दे करीब। तो इस किस्म का जिहड़ा कम है ये पार्टियां नू जिम्मेवारी नाल देखना चाहीदा है और इत्थे सियासत की गल नहीं। सियासत मैनू याद है जो साड़ी पिछली सरकार सी वो पानी का बिल आया सी SYL का बिल और उदों मैंने जाके बिल पास कराया सारे पार्टियां ने मेरा साथ दिता पूरी पार्टी पूरी विधानसभा एक पासे सी और असी जाके उसनू पास करता मेरे ते मेरी पार्टी औखी हुई। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मैंने सद्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मेरे नाल औखे से कि तुम पूरे हिंदुस्तान के जो असी कानून और जो एक्ट बनाया तुम वो खिलाफ़ जा रहे हो और यही मेरी पार्टी ने मैनू कहा सोनिया गांधी जी ने मैनू कहा लेकिन मैं सोचा कि मेरे एक पासे पता नहीं हो सकता है कि औखे हो के मैनू इतने जी मैं चीफ मिनिस्टर बनया हुआ मैं उतों ला दे कोई गल नहीं क्योंकि मेरा
पंजाब और पंजाब की किसानी नंबर एक ते मेरे सामने मैनू नज़र आ रही सी। उन्हां दा की होगा अगर पानी खत्म हो जाए साडे पंजाब दा, फिर उन्हां दा की होगा, फसल कित्थों आउणगियां, पंजाब कित्थे जाऊगा, किसानी कित्थे जाऊ साडी। ओही मैं इन्हां नूं कहा सी उस दिन कि अपने आप ते आप ते तुसीं थोड़ी अगर एयर अंडरस्टैंडिंग दूजी पार्टी नाल, तुसीं बीजेपी दे साथी हो, दिल्ली दे विच थोड़े मिनिस्टर बैठे ने, अगर उहदे करके तुहानूं औख है तां उहनूं पासे छड्डो, अपने दिल की गल करो। और दिल की गल है कि ये जड़ा है ये ऑर्डिनेंस खिलाफ ने, खराब ने, लेकिन नहीं मने साढ़े। और हुण देख तुसीं देखते रहना, असीं तां इहनूं इहदे खिलाफ जा रहे हैं, असीं इहदे बिल्कुल बिल असीं इहदे नाल साथ नहीं करना, लेकिन अगर ये पास हो जूगा तां फिर तुसीं याद रखो मेरियां गल्लां जिहड़ियां अज मैं कह रहा कि बिल्कुल साडी किसानी नूं खराब करके छड्डणगे ये श्रोमणी अकाली दल वाले, सिर्फ इस लई कि असीं बीजेपी दे नाल अपना रिश्ता नहीं तोड़ना। देख लो उन्हां दी मर्जी है, अंत विच तां तुहाडे कोल ही आउणगे, तुसीं फिर उन्हां नूं समझा देना। हुण मैं आउणा चाहुंदा तुहाडे कुछ सवालां ते जिहड़े तुसीं मैनूं अज कीते ने, बहुत सवाल आउंदे ने, फिर साडी जिहड़े टीम है वह बहिंदी है और बह के जिहड़े इक्को किसी चीज़ ते ज़्यादा सवाल होण उह सवालां नूं फिर कढ के बाहर लिआउंदे ने। ते मैं वो गल थोड़े कोल हुण आ रही है पठानकोट तों। दीपक ठाकुर जी ने कहा कि साढ़े कोल एक कोऑपरेटिव बैंक सी और वह बैंक दे विच हुण गड़बड़ हो गई, असी बहुत लोग ने जिन्होंने असी उहदे विच अपना पैसा पाया सी, की होगा साडा। मैं थोनों दसना चाहुंदा कि साढ़े कोऑपरेटिव महकमे ने एक बंदा नियुक्त किया जो इस गल नूं देख रहा है, पैसे वापस आ रहे ने, लै जा रहे ने लोगों तो जिन्होंने इत्थे इस बैंक नूं खराब किया, और बड़ी जल्दी ही असी इस बैंक नूं ठीक करा के थोड़े पैसे कदे नहीं जाते, असं जान नहीं देवे, असी पूरा ध्यान रखांगे। तो ये ना तुसी फिक्र करो दीपक जी, थोड़ा जो तुसी इन्वेस्टमेंट कीती है इहदे वह बिल्कुल ठीक रहेगी, थोड़े तुसी पैसे नहीं गवाओगे अपने। ये अबोहर तो विशाल ठाकुर जी मैनूं कहिंदे ने, पिछली बार भी आया सी ये सवाल कि अबोहर तो कि बड़े लंबे पावर कट होंदे ने, मैं चैक कर रहा कि क्यों, सारे पंजाब तां हुंदा नहीं, कदे ट्रिपिंग हो जाती है वह वक्री गल है, लेकिन खास करके अबोहर क्यों ये गल है। और मैं हुण बिजली बोर्ड नूं इस सवाल करके मैं जवाब लऊंगा और अगली बार मैं तुहानूं दऊंगा कि की कारण है कि अबोहर दे विच क्यों हो रहा है। मैं नहीं हुण देवांगा इस गल नूं, आखिरकार पूरे पंजाब दे विच अगर सारे ज़िलों दे विच तुहानूं बिजली आ रही है ठीक, तो अबोहर च क्यों ये कमी आ रही है, सानूं ये पता करके तुहानूं दस्सांगे असीं। फिर तुसीं क्या करोना दा जिहड़े हैं कि जिहड़ियां वड्डे हॉस्पिटल ने करोना वास्ते वो ज़्यादा बिल वगैरह देंदे ने, असीं दे नहीं सकते, साढ़े कोल इन्नी गुंजाइश नहीं। तुसीं जा सकते हो कदे भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल च, करोने दा असीं बहुत उत्थे प्रबंध किया होया और थोड़ी उत्थे ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, टेस्टिंग भी फ्री है, कोई थोड़ा पैसा देने की लोड़ नहीं, और ट्रीटमेंट भी थोड़ी फ्री है। जिते ताईं वड्डे हॉस्पिटलों दा मसला असीं इन्हां नूं टेकअप किया होया, नैशनल लैवल पर भी टेकअप हो रहा, असी भी कर रहे हैं कि ये तुसी नहीं कर सकते कि इस तरीके नाल ये पैसे गरीबों तो तुसी लो बड़ी बड़ी एक कोई बीमारी वास्ते। सो जो साढ़े नाल उन्हां दे नाल गल होई नहीं है, डॉक्टर तुसी देखा होना है कि मैडिकल जिहड़ी साडी एसोसीएशन है पंजाब की, वो मैनू मिलना चाहते हैं, मैं भी मिलूँगा, लेकिन उस तो पहला साडा महकमा भी मिलूँ और असी इन्हां दा कोई हल कढ़ांगे कि देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम, कोई सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि तुसी लोगों ने लुट्टन लग जाओ क्योंकि बीमारी इहदी फैल रही है इत्थे, इहदा भी हल असी कढ़ांगे। एक तुसी अमरजीत जी चीमा लजनर तो मैनूं कहा कि साडे एसयूवी गड्डी च चार मैंबर तुसी अलाउ कर दिओ बैठण नूं, बेटा तुसी ज़्यादा चार बंदे क्यों, अपने परिवार नूं सारिआं नूं उत्थे बिठा लो, थोड़े चार सामने की सीट है, विचाली सीट है, पिछली सीट है, पर फैमिली दे रहे हो, ये नहीं कि तुसी फैमिली वरत के तुसी होरां नूं बिठाउण लग जाओ। अगर थोड़े फैमिली पांच मैंबर ने या छे मैंबर ने, शौक नाल तुसी बिठा दो, असीं दस दांगे पुलिस नूं कि कोई चलान नहीं होगा, ये अपनी फैमिली वास्ते कोई भी अपने बंदिआं नूं उत्थे बच्चिआं नूं ले जा सकूं नाल। एक तुसी मैनूं पुछिआ सी जी एन डी यू एग्जाम्स ये हैं प्रिंस गुरदासपुर तों, लाइक महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली वगैरह ने इन्होंने बिल्कुल कैंसल कर दी। साडा एक
यूनिवर्सिटीज़ दे एक मीटिंग हो रही सी, प्रिंसिपल पता नहीं अज होनी सी या कल सवेरे हैगी, जिते ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लिख के प्रॉपर तरीके असी परमिशन लैके देखांगे कि कैंसल होंगी या नहीं। जो पता लग रहा है इस वेले जो दिल्ली फैसला हो रहा है कि एग्जाम कैंसल होने चाहिए ने, लेकिन जदों ताई साढ़े वाइस चांसलर साढ़े मीटिंग करके साढ़े एजुकेशन महकमे के नाल इस नू अपना फैसला नहीं करते तो मैं थोनू अज कोई कॉन्क्रीट यदा जवाब नहीं दे सकता। वो जैसे ही पता लग जू सानू कि वह फैसले की होया इस कमेटी च असी थोनू इतला कर देंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं थोनू वेट करना पवेगा। तुसी कह रहे हो कि असी बड़े दिनों दे इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ दो या तीन दिन की लोड़ है, जदों ये फैसला हो जू थोनू दस्या जाऊगा। करण शर्मा जी लुधियाने दे कह रहे हैं कि साढ़े थोड़े मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि फिर सानू अगे शायद लॉकडाउन बताना पवे। देखो बेटा ये थोड़े ते है, मेरे ते है, सारे पंजाब ते है। अगर आप कंट्रोल कर जाइए फिर लॉकडाउन की लोड़ होंगी है? जदों तुसी कंट्रोल कर लोगे सारी चीज़ों नू जैसे मैंने कहा है फिर लॉकडाउन की लोड़ नहीं, लेकिन अगर ये बिगड़ता जाऊगा फिर सानू फिर सोचना पऊ। सो ये मैं अपने पंजाब नू और थोनू बचाउणा है। पंजाब की है? पंजाब लोगों का पंजाब है, पंजाबी रहिंदे ने पंजाब दे विच, और तुसी हो पंजाबी, मैं पंजाबी, असीं तां अपने आप नूं अपने बच्चों नूं अपने परिवारों नूं सारे नूं संभालना है। सो दैट इज़ वाई तुसी अगर इस नूं मेरी गल गंभीरता नाल लैके तुसी इस कोविड नूं आपां रोक सकीए तां फिर आपां नूं लॉकडाउन की लोड़ नहीं, फिर मैनूं सोचना पऊ कि कैसे करना है, क्योंकि मैं इत्थे पंजाब नूं खराब नहीं होण देवांगा। मैं अपने पंजाबियों नूं एक कोविड नहीं लगन देनी और अपने बच्चों नूं कोविड नहीं लगन देनी। इस करके थोनूं थोड़ा इस पर ध्यान दो। तुसी भुपिंदर सिंह जी सराह पात्रा तो पुछदे ने कि साढ़े मेरे पिंड हरियाई खुरद है और उतों पात्रा जाना पैंदा, कोई बसा नहीं है। हुण ये बसा जिहड़ियां मिनी बसेस आम तौर पर पिंडां तों ले जांदियां ने पात्रा और उतों बड़ियां बसा अगे लै जांदियां ने, ये इस लई मेरा ख्याल नहीं चल रही, क्योंकि पेट्रोल हो गया बहुत महंगा, डीजल हो गया बहुत महंगा, और असी सोशल डिस्टेंसिंग रखी सी कि अद्धे बंदे आ सकते हैं और फासला छड़ना चाहते हैं, और उन्होंने भुगतना नहीं होना उन्होंने बसा कर जो मिनी बसेस चलाते हैं। इस करके इस जी रुकावट सी इसको मैं हटा रहा। अज तुसी जेडे मिनी बसेस हो या बड़िया बसा हो, एक शर्त से कि कोई बंदा बस च नहीं चढ़ूगा जब तक मास्क नहीं पाँगा। मास्क पाओ, बसा चढ़ो, मिनी बसेस भी चलनगिया जो फुल पूरिया भरिया हो गया, और बड़िया बसा भी चलनगिया और ये बस फिर थोड़े चलन लग जाएंगे, लेकिन तुसी अपने मास्क पा के वो बसा के बहना है। और हुण असी चकते हैं जिहड़ा बैन सीगा और 50% रखते से वो नहीं रखा, ना छोटे बसा च ना बड़िया बस मिनी बसा च या बड़िया बसा च 100% उत्थे जा सकनगे अपने जिहड़े मुसाफर ने, लेकिन इक्को ही कंडीशन है कि मास्क पा के। तुसी मैनू प्रोफेसर रशपाल सिंह जी बराड़ सारी कैनेडा तो मैनू तुसी पूछ रहे हो कि जिहड़ा थर्मल प्लांट है बठिंडे का, इहनू ये जिहड़े थर्मल प्लांट से टावरस ने, इट हैज़ बिकम अ टूरिस्ट, इट कैन बिकम अ टूरिस्ट थिंग। यस आई विल सर्टनली, प्रोफेसर साहब मैं इसनों देखूंगा। तुसी भी बठिंडे दे, मैं भी बठिंडे दा, है तो पटियाले रहने वाला लेकिन मेरा पिंड तो बठिंडे ही है महाराज। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तुसी इस बठिंडे साढ़े बठिंडे नू बिल्कुल देखना चाहते हो और एक हैरीटेज सिस्टम नाल देखना चाहते हो। अपना किला भी जरा ढहदा जा रहा है, आई होप द आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसनों भी देखेगा, उन्होंने भी ठीक करे, बिकॉज वो खराब हो रहा है। और एक बहुत पुराना किला है, तो इट आई थिंक फॉर 1000 ईयर मे बी। रजिया सुल्तान तुसी नाम सुने, प्रोफेसर साहब तुसी तो सुने होना है, रजिया सुल्तान तो उस किले कैद रहे से। सो इट इज़ अ वेरी ओल्ड हिस्टोरिकल किला, वो भी असी देखना है, और होर कोई हैरीटेज पॉइंट्स ने। सो आई विल सर्टनली गिव दिस फुल थॉट कि असी कैसे थोड़े ये जो टावर्स ने रख सकी, शायद असी इन्हों कोई रेस्टोरेंट बना दिए, समीटरीज वट एवर इट इज़, कुछ सोच के करांगे। बट थोड़ा सजेशन आई अप्रीशिएट वेरी मच, बड़ा धन्यवादी है थोड़ा सुझाव वास्ते। पेट्रोल तो डीजल बढ़ता जा रहा डेली, यदा की कर सकते हैं? हूँ ये साढ़े हाथ से नहीं, असी भी थोनू शायद पता होगा कि साड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई सी कि अज तो कोई 4 दिन हुए, और उत्थे एक मुद्दा आया सी कि
रेजोल्यूशन पास किया गया सी एस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि गवर्नमेंट शुड रोल बैक ऑन पेट्रोल एंड डीजल चार्जिस, क्योंकि उत्थे क्या सी कि जद तों बधाए ने पेट्रोल और डीजल, गवर्नमेंट हैज़ गेन्ड 1,80,000 crores और 1,80,000 crore बना चुके ने इस पेट्रोल से, हुण वापस करो और लोगों को वापस करो। सो आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे सोचेगी और कुछ रोल बैक करेंगे ताकि लोगों को कुछ बेनीफिट मिल सके। तुसीं पुछिया फिर कि अगर थोनू या थोड़े कोई परिवार के मैंबर नू कोई कोविड हो जाए, सरबत सेहत बीमा दे विच तुसीं आ सकते हो, जरूर जाओ अपने हॉस्पिटल। तो जैसे मैं कहा सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री ने, लेकिन तुसीं अगर जाना चाहते हो किसी दूजे हॉस्पिटल च, थोनू किसी का कोई छाती की दर्द है या कोई गला खराब है, वट एवर दिस ऑल कम्स अंडर जिहड़ा थोड़ा इंश्योरेंस स्कीम का, तो तुसी उत्थे जरूर जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सानू दसो, वी विल सी। पर कोई बीमारी होए इट इज़ कवर्ड बाय दिस। करोना प्रॉपर नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता होंगे कि मैंने करोना है। तुसी जब जाओगे थोनू नज़ला होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, बॉडी एक होगी, कुछ ना कुछ बदन का दर्द हो, तुसी जाओगे एज अ फ्लू, वो तो फिर डॉक्टर दस सको थोनू। लेकिन जो ट्रीटमेंट थोड़ी होनी है एज अ पेशेंट अंडर फ्लू या किसी और चीज़, थोड़ा जरूर होना चाहिए और होगा जरूर। गुरप्रीत गिल जी लुधियाने तो मैं पूछ रहे ने कि तुसी पखोवाल की सड़क जिहड़ी है शहीद करतार सिंह सराभा के नाम से रखी है, हलवाड़ा एयरपोर्ट में भी तुसी उन्हां दे नाम से रखो, बहुत थोड़ा सुझाव अच्छा है। लेकिन ये गल्लां जिहड़ियां होंदियां ने ये साढ़े वास की गल नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और होम मिनिस्ट्री वगैरह नाल। लेकिन जैसे असी मोहाली की जरा एयरपोर्ट है वो शहीद भगत सिंह के नाम असी रखना चाहते हैं, वो भी असी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो इतने भी थोड़ा जरा अपना हलवाड़ा एयरपोर्ट है, ये थोड़ा अच्छा सुझाव है, असी एयरपोर्ट न टेकअप करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल और फिर असी थोनू दसांगे जदों गवर्नमेंट बन जाती है। रमन सिद्धू जी बठिंडे तो कहते हैं कि बस परमिट सानू तुसी क्या सी कि तुसी सानू बस परमिट दे सकोगे, पता नहीं थोनू कैसे नहीं पता लग्या, ये तो अनाउंस हो चुकिया सी और 30 जून साढ़े लास्ट डेट सी कि तुसी अपने मिनी बसेस दी अपनी ले सको और मेरा ख्याल 30 जून तक तुसी अगर अप्लाई नहीं किया, मैं अज महकमे नू जरूर कहूँगा कि 15 दिन थोनू होर दे देन, 15 जुलाई तक असी, क्योंकि कोविड चल रहा है, कई लोगों शायद खबर नहीं आई होनी, अखबार नहीं पहुँचे, तो तुसी 15 जुलाई तक असी ले जाएंगे। तुसी हुण अप्लाई कर दो, असी दे रहे हैं मिनी परमिट्स अनएम्प्लॉयड यूथ वास्ते, जिन्हां ने लेना तुसी जाके उत्थे अप्लाई करके ले लो। जसवीर सिंह सेखो जी लुधियाना, तुसी पुछया है कि असी ऑनलाइन हुण पढ़ रहे हैं पर साढ़े गर्मियां दे विच छुट्टियां होंदियां ने, तुसी सानू छुट्टी नहीं इजाजत करोगे। जो फैसला किया है डिपार्टमेंट ने कि जिहड़ियां तुसी 2 महीने स्कूल तो बाहर रहे हो उन्होंने छुट्टियां गिनिया जान, नवी हुण तुसी पढ़ रहे हो घर बैठे हो, तुसी अपनी स्कूल उत्थे करो और घर तुसी ऑनलाइन करके उत्थे बैठे होगे, सो छुट्टी ये होर नहीं असी बता सकते। और इसलिए क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जाम्स होंगे ने, हुण तुसी नौवीं क्लास चो दसवीं क्लास थोड़ी ऑल इंडिया एग्जाम हो और असी चाहते हो कि तुसी बड़ा अच्छी तरह पढ़ो और अच्छे थोड़े मार्क आन ताकि तुसी बड़ी चंगी तरह अपनी विद्या होर प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी ले सको। सो यू तुसी जेडे अपने ऑनलाइन सीख रहे हो सीखते रहो और उस तो बाद हॉलीडेज तो होंदिया रहिंदिया ने और तुसी घर तो बैठे ही हो, सो थोड़ी देर तुहानू पढ़ना पैंदा है ऑनलाइन और फिर तुसी थोड़ी छुट्टी हो समझ लो इसनू। लेकिन असी ज़्यादा थोड़ी एजुकेशन दे विच विघन नहीं पाउणा चाहते जिहदे नाल थोड़ा अगे जाके थोड़ा नुकसान होवे। तुसी मनदीप रंधावा जी ने कहा कि मेज़ मक्की तुसी हुण लाउणा चाहुंदे हो, झोना नहीं लाउणा चाहुंदे, बड़ी अच्छी गल है, लाओ मक्की जरूर तुसी और थोनू सबसिडी मशीन दी मिलेगी, आई थिंक 40% थोनू ये मिलेगी सबसिडी, तो तुसी सबसिडी जिन्होंने अप्लाई कर दिता है और जिन्होंने मशीनरी हुण मिल रही है, क्योंकि मक्की दा हुण बीजन दा टाइम आ गया, थोनू नाल दे नाल हुण मंजूरियां तैयार हो रही ने और थोनू नाल दे नाल थोनू सबसिडी दे देंगे 40%। चालू अरोड़ा जी अमृतसर तो, ये जिहड़ी थोड़ी मंग है ना
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਛਾੜ ਆ ਜੇ ਸਕੂਲ ਡਿੱਗੀ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਵਿਨੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1190 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਆਂ SSB ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਫੋਰ ਪਟਵਾਰੀਸ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ SSB ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ DSP ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 28 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1847 ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ 1846 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਮਨਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 48 ਔਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 181ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੁਕਾ ਜਾਤਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹੋ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।